प्लस ड्रोन वर्क मैं करता हूँ। तो मेरा लास्ट ईयर मैं 18 नवंबर जो आप लोगों का नेपाल का कैलेंडर के हिसाब से मंगशीर 2 गते को नेपाल आया था। नेपाल का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको अच्छा लाइट में दिखाने के लिए। तो मेरा प्लान था घांद्रुक बोल के एक जगह है जहाँ से आपको वो फिश टेल जो माउंटेन है वो मतलब अच्छा से मतलब वो देखेगा, प्लस पोखरा का जो फेमस फेवा ताल है वहाँ पर जाके एक कॉन्सेप्ट पेपर में लाया था मेरे साथ वो जिसका नाम था मनी इज़ नथिंग। तो वो कॉन्सेप्ट से मैं एक शूट करने वाला था एक वो वीडियो का, तो उस हिसाब से मैं नेपाल आया था। अब मैं जब पानी टैंकी बॉर्डर जो था जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है मैं जब क्रॉस किया, जब मैं क्रॉस किया तो पुलिस ने मुझे बोला कि मैंने खुद दिखाया कि ये मेरे पास है और मेरे पास बहुत कैमरा वैमरा है। और आप लोगों को मालूम है कि जिसके पास बहुत कैमरा एंड बहुत इक्विपमेंट्स ट्राइपॉड्स एंड ऑल होते हैं तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा चेकिंग वेकिंग होता है। तो मेरा कैमरा का बैग में ही मेरा जो डॉलर का जो फोटो कॉपी है जो गूगल से डाउनलोड किया पिनिंटरेस्ट जो साइट से जहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट लाइक आई मीन लाइक डाउनलोड एंड मे बी लाइक प्रिंट द इमेज, मैं वहाँ से डाउनलोड किया। तो वो मैं दिखाया पानी टैंकी वो बॉर्डर में तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, बोला ठीक है चले जाओ। उसके बाद मैं एक कैब पकड़ के मैं चंद्रगढ़ी एयरपोर्ट से मैं काठमांडू आने वाला था। मेरा फ्लाइट था बुध एयर का। मैं जब काठमांडू आने का मतलब जब वो चेकिंग का टाइम में मैंने मतलब वो मेरा कैमरा का बैग में था तो मैं वो दिखाया, जब उन लोगों को वो बोला कि फिर से कि ठीक है आप एक बार अंदर में जाइए, अंदर में जाके जो आदमी है एक बार पूछ लीजिए ये अलाउड है कि नहीं है। मैं सोचा कोई बात नहीं अंदर में जाके मैं एक बार पूछ लेता हूँ। जब मैं अंदर में गया पूछने के लिए वो आदमी सडनली चिल्लाने लगा पकड़ाओ पकड़ाओ पकड़ाओ। सडनली लाइक मैं एक इंडियन होके मतलब क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज तो वो मिलता है तो मैं समझ में आ गया कि पकड़ाओ क्यों बोल रहे हैं, मतलब मैंने गलती क्या किया। फिर मतलब उन्होंने कुछ वो डेरोगेटरी टर्म्स भी यूज़ किए पर अब उनके बारे में मैं और क्या बोलूँ। तो वो हुआ था, वो एक इंसिडेंट हुआ था। फिर एक ऑफिसर आया इंस्पेक्टर रैंक का, उन्होंने आके बोला कि आपको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन झापा का जो चंद्रगढ़ी जो पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो मैं बोला ओके फाइन। तो मैं सोचा कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो 100% इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि आई वॉज लाइक नॉट कैरिंग एनी थिंग, लाइक आई मीन इट वॉज लाइक एवरी थिंग लाइक वॉज वेरी लाइक ट्रांसपेरेंट। तो मैं गया उसके बाद वो लोग मेरा कैमरा का प्राइस कितना है, ये कितना है, वो कितना है, मेरा कितना प्रॉपर्टीज़ है इंडिया में, मतलब बहुत क्वेश्चंस ऐसे करके पूछा है एंड ऑल। उसके बाद वो बोला ठीक है आप रुकिए, आप कुछ दिन में ही आप वो रिलीज़ हो जाएंगे, ये तो कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे एकदम मतलब ईजनेस में वो रख के बोला कि ये कोई बात ही नहीं है, आपको भी मालूम है ऐसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको रखे हैं। फिर मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस मेरा मतलब मैं एक एस्माइटिक पेशेंट हूँ, उसने मेरे पास इन्हेलर है तो उस हिसाब से मेडिकल का हिसाब से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक ये हुआ एक मतलब वो प्रेशर वो उन्होंने एग्जर्ट किया था जो नहीं करना था शायद उन लोगों को पर उन्होंने किया। और उसके बाद 15 दिन बाद मुझे बोला कि ये आपका रिलीज़ पेपर्स है इसमें साइन कर लीजिए। तो मैं सोचा कि ओके फाइन सो नाउ आई एम गेटिंग आउट। बट जब मैं साइन किया उसके बाद बोला ठीक है आप सेल में रुकिए उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे आपको रिलीज़ करने के लिए। मैं बोला कि मैं सेल में क्यों जाऊंगा, अगर मैंने साइन कर लिया रिलीज़ पेपर तो मुझे तो निकलना है। तो उसके बाद बोला कि नहीं, अभी जज वो डिसाइड करेगा क्या करना है। मैं बोला जज डिसाइड करेगा, आप तो बोले ये मेरा रिलीज़ पेपर है तो जज क्या डिसाइड करेगा। और मैं लाइफ में मैं कभी भी कोई वो जुडिशियल प्रोसीडिंग या कोर्ट में मैंने कभी भी नहीं किया था, सो इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद 10 दिन मुझे फिर से कस्टडी में वो लोग रखा। देन आई वॉज टेकन टू झापा का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, झापा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके मुझे जज ने उस दिन पूर्व पक्ष में ठेल दिया। उस टाइम में मुझे मालूम भी नहीं था ये पूर्व पक्ष क्या होता है या मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, नेपाल का जो जुडिशियल सिस्टम है क्या है, मैं बहुत स्ट्रेस में था। उसके बाद में अब मैं अंदर जब आया मैं देखा मैं समझा क्या होता है जो जुडिशियल जो सिस्टम है। बचत खाता हरु मध्य सबै भन्दा बेस्ट एनआईसी एशिया को बचत खाता।
सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, पुलिस का जो रोल है नेपाल का, जो उन्होंने जैसे चार्जशीट जो बनाता है उसका रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये सब मैंने देखा। और उसके बाद मैं सोचा कि ठीक है, मतलब मेरा तो ये कोई केस नहीं है, मैं 100% निकल जाऊंगा। ये मेरा एक जो अजम्पशन था, ये मेरा 3-4 महीने तक मतलब रहते गया। उसके बाद मैं देखा कि मतलब कोई मतलब निकलने का कोई सीन ही नहीं हो रहा है। तो मैं जेल अथॉरिटीज़ को मैं बोला कि क्या है, मतलब मेरा केस का जो ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो मिनिमम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिनिमम सेंटेंस टाइम वो मांग किया था वो है 5 to 10 years। सो आई वॉज सपोज टू गो इनसाइड फॉर 5 years। तब मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत शॉक जैसा लगा। और उस दिन मैंने जैसे मेरा मम्मी को मैं इतना दिन तक मैं इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि वो अलोन है और मेरा पापा एक्सपायर हो गया है। तो इसलिए मेरा मम्मी को इन्फॉर्म किया कि मैं अभी प्रिजन में हूँ, बट आप चिंता मत करो, इंडियन गवर्नमेंट का साथ है, मैं शायद निकलूँगा, ऐसे करके। फिर मेरा मम्मी दौड़ के आया मुझे मिलने के लिए एंड ऑल। फिर इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ, इंडियन एम्बेसी, और तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा एक टीम बनाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब वो रिसर्च के लिए कि कैसे करके हुआ इंसिडेंट एंड ऑल। उसके बाद मेरा इंडियन जो प्रेस है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से एक डॉक्यूमेंट मतलब वो रिलीज़ हुआ, एक प्रेस रिलीज़ हुआ कि आई एम ए फोटोग्राफर, कोलकाता का एक फ़ोटोग्राफर स्टक है नेपाल का जेल में। वो रातो पार्टी का जो एडिटर है मदन डुंगाना जी, वो उनका नोटिस में आया। उसके बाद वो ऑल ओवर नेपाल एक प्रेस रिलीज़ किया कि ऐसे ऐसे हुआ जो प्रदीप जी ने बोला। फिर लाइक प्रदीप जी एंड नॉल, नेपाल फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन, फिर मिस्टर सुमन पांडे एक वो मतलब टूरिज्म एंटरप्रेन्योर, मिस्टर राहुल बोरुआ एंड नॉल, मतलब बहुत जन आके मुझे मिलने लगे कि आप मतलब स्टक हो, हम लोगों को मालूम है आपका स्टोरी, आप फिक्र मत करो। उन्होंने मतलब मेरा इतना डिफ़िकल्ट टाइम में इतना मुझे एहसास दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं नेपाल आया था 2018 में। मैं तब अन्नपूर्णा सर्किट चेक किया था। मैं नेपाल आया था क्योंकि नेपाल का जो मतलब टूरिज्म मतलब जो माउंटेन जो रीजन है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और मैं एज एन एस्ट्रो फोटोग्राफर मैं फाइंड करता हूँ नेपाल का जो मतलब आपका जो मतलब वो लाइट पोल्यूशन वो उधर में बहुत ही कम है, इसलिए मेरा वो मतलब प्राइमरी मोटिव था। और मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो था वो मनी का जो मेरा फोटोकॉपी था जो वो प्रॉप नोट्स था वो मैं पोखरा का फेवा ताल में ऐसे करके हाथ फैला के उड़ाने वाला था, और गांधरुप का वो मचा पुछरे का बैकग्राउंड लेके मतलब वो सेम चीज़ करना था। वो एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पेपर है अलॉन्ग विद द एंगल्स, वो शायद अब आप लोगों के पास एक कॉपी है। तो वो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। पर अभी के लिए मतलब मुझे लगा कि नेपाल का जो पुलिस का जो मतलब जो करता है वो लोग, वो शायद कुछ जगह में कुछ फॉल्ट्स है, पर अभी केस मेरा सब जुडिशियल लेवल में है, तो इसलिए मैं मेरा केस के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। रैदर मैं बोलना चाहता हूँ नेपाल का जो प्रेस एंड मीडिया एंड द एंटायर फैकल्टी ऑफ फोटो जर्नलिस्ट्स इतना हेल्पफुल रहा मतलब मेरे लिए कि मेरा जो कॉज है मतलब टू गेट मी जस्टिस, दे लिटरली बॉट मतलब उन्होंने खुद का पैसा से टिकट विकेट खरीद के मुझे मिलने के लिए आया, जो एक विदेश का फोटोग्राफर और विदेश का एक फोटो जर्नलिस्ट को उन लोग मतलब क्यों देखेंगे। बट और वो भी प्रेस, मतलब जब आदमी लोग नाम सुनता है प्रेस, उन लोगों के नाम में तो एक बदनाम आ ही जाता है, इंडिया में भी बोले या जहाँ पर भी बोले। तो मतलब प्रेस लोग आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए एंड वो लोग फुल सपोर्ट दे मतलब दे रहे हैं, वो लोग दिन रात मेरे लिए आर्टिकल दे रहे हैं, जिनसे बात करना है बात कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं। इसके लिए मैं शायद मतलब बहुत बहुत मैं वो लकी हूँ, ये जो कंप्लीट एफर्ट किया है। मैं अभी भी थैंक्स बोल रहा हूँ हम लोग का प्रदीप राज सर को, और मतलब और भी जो बहुत आदमी लोग जो मैंने ये सपोर्ट किया है ये केस में। तो अब
जो है वो आपको शायद, आप लोग शायद नोट नहीं देखे हो कैसे मेरा नोट्स था, तो वो जैसे प्रॉप नोट्स था कोई, मतलब इवन जो मेरा फॉरेंसिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो लिखा है कि कोई भी फीचर नहीं मिलता है नोट का, मतलब लाइक आई मीन नॉट इवन वन फीचर, वो साइज बोले पेपर का जो क्वालिटी है, चिल्लो कागज़ जो था, मतलब वो उस तरीका का था। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक था अभी, उस लिए मैं फर्स्ट मैटर को मैं बहुत टेक ईजी लिया था कि इसमें क्या होगा, इसमें 100% कुछ नहीं होने वाला है। पर देन मैं शायद मैं जेल के अंदर ही रहता फॉर मे बी 5 to 10 years, अनलेस एंड अनटिल ये नेपाल का जो प्रेस फ्रेटर्निटी है उन लोगों का हेल्प के बगैर से, मतलब अगर वो लोग हेल्प, मतलब वो लोग फॉरवर्ड नहीं आते हेल्प करने के लिए, तो मेरा सेंटेंसिंग पीरियड शायद मिनिमम ऑफ 5 years होता। तो इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को। मैं कभी भी ऐसा सपोर्ट एक फॉरेन कंट्री, एक फॉरेन नेशनल, एक स्ट्रेंजर के लिए मैं कभी भी नहीं देखा। और अभी यही है मेरा बोलना। और अभी मेरा केस जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मैं 1 साल जेल में था, तो मैं क्लीन चीट के लिए हाई कोर्ट में मैं अप्लाई किया हूँ। मुझे आशा है कि मैं 100% क्लीन चीट मुझे मिलेगा। और ये भी मेरे, मतलब मुझे आशा है एक कि अगर हाई कोर्ट में बाई चांस कुछ इधर से उधर हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक मैं केस फाइट करूँगा। और मेरा यही एक विनती है आप लोग से कि प्लीज़ आप लोग ऐसे करके, मतलब मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं रियली शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं इंडिया में जाके भी मैं प्रेस मीट में मैं ये बोलूँगा कि नेपाल का फोटोग्राफर एंड फोटो जर्नलिस्ट एंड द एंटायर प्रेस फ्रेटर्निटी इज सो सपोर्टिव ऑफ अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर एंड ऑफ एनी वन लाइक फॉर डिमांडिंग जस्टिस। हाँ, एक चीज़ है, जैसे जो मेरा बैग, कैमरा, मेरा मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल, पुलिस ने मेरा मोबाइल को सर्व किया, पूरा चेक वेक किया, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। उस लिए वो लोग पुलिस ऑफिसर्स लोग, उन लोगों का जो सीजर लिस्ट है, मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा कैमरा बोलिए, मेरा ट्राईपॉड बोलिए, मेरा माइक बोलिए, कुछ भी सीजर लिस्ट में नहीं लिखा। तो वो लोग मतलब वो कस्टडी से ही वो जेल का ऑफिस के बाहर में था। तो उसके बाद वो मेरा मम्मी को आगे ही, वो अराउंड व्हेन आई वाज स्टक देयर फॉर 4 months, उस टाइम में मुझे रिटर्न मिल गया, सब चीज मिल गया, एवरीथिंग। अब आप क्या करेंगे, अब तो आपको क्लीन चिट मिल ही गया है। हाँ हाँ, जो डेस्टिनेशन के लिए आप आए थे, हाँ, वहाँ पे आप फिर जाके शूट करेंगे? नॉट दिस टाइम इंसिडेंटली, बिकॉज मेरा मम्मी अभी मेरे साथ है, तो अभी थोड़ा सा एनवायरनमेंट स्ट्रेस है, अभी बहुत मैं मतलब प्रेशर में हूँ, मतलब मेरा फैमिली का प्रेशर में कि इंडिया लौटने के लिए कुछ मीटिंग्स करके, पर 100% मैं नेपाल लौट रहा हूँ एंड आई विल कंटिन्यू एंड आई विल इवन शूट दैट लाइक आई मीन थिंग एंड आई विल पब्लिश इट इन द इंटरनेट 100%, क्योंकि नेपाल का टूरिज्म के ऊपर मतलब मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक मतलब एक जगह से मेरे ऊपर रॉन्ग हुआ है, वो मैं मानता हूँ, पर एक जगह से जो नेपाल का जो गुड साइड है, नेपाल का जो पीपल का जो वेलकमिंग एटीट्यूड है, वो मतलब नज़र आ गया पूरा वर्ल्ड को कि एक स्ट्रेंजर को हेल्प करना जो कंट्री में स्टक है, मतलब ड्यू टू एनी रीजंस, वो एक मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। इसलिए मैं आते रहूँगा, मैं लौटते रहूँगा, और मैं 100% मैं जितना भी मेरा हो सके मैं नेपाल का टूरिज़्म का प्रमोशन के लिए मैं कैंपेन करते रहूँगा। जैसे कि आप नेपाल आने से पहले इंडिया में भी किया हो सर, उस टाइम पे और भी प्रदेश में जाने के टाइम में आपको उतना तकलीफ होता है कि नहीं होता है? अंदर की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ जिस तरह से आज यहाँ हुआ, ऐसा कुछ हुआ आपको इंडिया में? तो ऐसे कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, दो इंडिया में जो मैं एक ड्रोन पायलट भी हूँ, तो ड्रोन का लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इंडिया में, तो इंडिया में ड्रोन का वजह से मतलब कुछ एयरपोर्ट्स में चेकिंग के लिए मुझे भेजा था मैक्सिमम, और वही मतलब वहाँ तक ही चीज़ ख़त्म हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, वो रशिया में था, रशिया एंड नॉर्वे जो बॉर्डर है, मुर्मांस्क बोल के एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पर मुझे उन लोगों का रशियन इंटेलिजेंस जो है, बिकॉज आई वॉज कैरिंग अ ड्रोन, दैट्स वाई दे आस्क्ड मी क्वेश्चन एंड दे केप्ट मी लाइक फॉर 3 to 4 hours लाइक इनसाइड, एंड वंस दे गॉट लाइक आई मीन ऑल देयर डिजायर्ड रिजल्ट, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। यही मैक्सिमम हुआ था। क्या कहना चाहती हैं, आपकी तरह स्ट्रेंजर फोटोग्राफर जो फ्रीलांस फोटोग्राफर होता है वो नेपाल आने के लिए इच्छा कर रहे होंगे, आप क्या बता सकते हैं अभी क्या करना चाहिए, किस तरह से आने से सुलभ और सही रास्ता मिलेगा, या कैसे आना चाहिए, क्या लगा?
मेरे ख्याल से कोई भी कंट्री में आने के आगे कंट्री का जो लॉज है वो थोड़ा सा जान लेना चाहिए. और एक चीज़ है कि ये मत, मतलब ये कोई डरने का बात नहीं है कि नेपाल नहीं आएंगे, नेपाल में ये सब चीज़ हो रहा है. 100% ये कोई डरने का बात नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. एक सर्कमस्टेंशियल एक्सीडेंट कभी भी बुला कर नहीं आता है, वो अनजाने में आता है, तो उसके लिए बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एक्सीडेंट. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, पर नेपाल का जो आदमी लोगों का जो वेलकमिंग एटीट्यूड है, नेपाल का जो सीनिक ब्यूटी है, इसके मतलब हिसाब से मैं बोल रहा हूँ नेपाल आने का लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो अगर करेंगे तो शायद अच्छा होगा. देखिए पुलिस हर जगह का ही, वो पुलिस का टॉपिक में अगर बात किया जाए तो इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी एवरीवेयर. पुलिस हर जगह का ही वो थोड़ा सा इधर उधर होता है. जैसे मेरा चार्जशीट में उन्होंने लिखा था कुछ स्टेटमेंट जो मैं कब मतलब मैं बोला ही नहीं, ऐसे करके वो मतलब उन्होंने मतलब वो लिखा था, कोई ट्रांसलेटर भी मुझे नहीं दिया. तो ये मेरा भी एक चीज़ है कि मैं उतना केस को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मेरा एक प्रिनोमिनेशन था कि मैं तो कुछ कैरी मतलब मैं तो कुछ गलत नहीं कैरी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करेंगे ये लोग. 100% मुझे लगा था कि जज शायद पुलिस को ही डांटेगा, ये आप क्या लेके आए हैं. तो ये प्रिनोमिनेशन मेरा एक था, ये इसमें मैं थोड़ा सा गलत मतलब ये हो गया था, पर अदरवाइज नेपाल आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड आई अर्ज ऑल द इंडियन फोटोग्राफर्स एंड द फॉरेन फोटोग्राफर्स अलाइक टू कम एंड विजिट दिस ब्यूटिफुल कंट्री एंड सी द वेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ इट्स पीपल.